जिन लोगों का फ्रेंड सर्कल बहुत लंबा होता है ना, उनका माइंड ज्यादा एक्टिव नहीं होता है। हाँ होता है, लेकिन वो अच्छे काम करने के लिए नहीं, बुरे काम करने के लिए ज्यादा एक्टिव होता है। और ये बात भी याद रखो, उन्होंने अपने जो दोस्त है ना, वो ऐसे रखे होंगे जो उनकी तरह सोचते हैं, उनकी तरह काम करते हैं, और इसी की वजह से उनकी जो हालत है वो दिन प्रतिदिन वैसी होती रहती है, उसी लेवल की चली जाती है। और यही लोग जो है ना, आपको बहुत जगह मिलेगी जो बहुत खुश रहते होंगे। लेकिन वो क्यों है, आपको लगता है ये इतने खुश है क्यों है? क्योंकि वो अपनी लाइफ को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं। आजकल हर एक बंदा यही चाहता है कि हमारी लाइफ में कोई लड़की हो, वो हमें सपोर्ट करे, उसका प्यार हमें मिले, इसीलिए बहुत बंदे खुश रहते हैं इसी की वजह से। लेकिन जिंदगी की कीमत क्या होती है वो उन्हें कभी पता नहीं चलता है। लाइफ में एक्सपीरियंस लेना जरूरी है। जिसको सब पता होगा ना कि जिंदगी हमें कब रुलाती है, कब क्या होता है, वही अपनी लाइफ में बड़ा करता है, उसी के सपने पूरे होते हैं। अगर वो लोग जो अभी इंजॉय कर रहे हैं, लड़की के पीछे भाग रहे हैं और साथ में क्या कर रहे हैं, वैसे दोस्त रखे हैं जहां पर वो बुरे काम बहुत ज्यादा करते हैं, अगर उन्हें बहुत ज्यादा अफसोस हो जाए कि मेरा टाइम बहुत निकल गया है, मुझे कुछ करना है, और वहां पर बहुत देर हो जाएगी, और वो यही सोचेंगे कि मुझे जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल होना है, और वो नहीं हो पाएंगे क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि लाइफ में कब क्या होता है। और ये एक बार प्रूव भी हो चुका है कि जिन लोगों के कोई भी दोस्त नहीं होते हैं या बहुत कम होते हैं, उनकी जो माइंड की पावर है वो बहुत ज्यादा होती है, और वो हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, और कोई दूसरे बंदे को वो देखते हैं ना तो उन्हें पहले पता चल जाता है कि वो मेरे बारे में सोच क्या रहा है इस टाइम। जिन लोगों के कोई दोस्त नहीं होते ना, वो यही सोचते हैं कि मेरे लायक कोई नहीं है, मैं एक यूनिक हूं, इसीलिए मेरे से कोई दोस्ती नहीं करना चाहता है। उनकी मेरे सामने फटती है जो मुझे दोस्त नहीं बनाना चाहते। जिसका साथ कोई नहीं देता है वही अपनी लाइफ की कीमत जान जाता है। ऐसे लोगों का भले ही अभी बहुत ज़रा मजाक हो रहा हो, लेकिन यही बंदे ना कल दिन लोगों के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। और एक बात मेरी अभी ध्यान से सुन लेना, अगर आप ये सोचते हैं ना कि मेरी लाइफ में भी ऐसा हो रहा है, कोई मेरा साथ नहीं देता है, मैं बिल्कुल अकेला में हूं, ना मेरी गर्लफ्रेंड है, लड़की की भी ऐसी हालत है, अगर कोई देख रही है, अगर मैं चाहूं मैं तुम्हें बता सकता हूं कि तुम किसी को अपना दीवाना कैसे बना सकते हैं, कोई लड़की हो कोई भी हो। मैं उन सब से कुछ अलग सी एक ऐसी ट्रिक बता सकता हूं जो किसी ने नहीं बताई है। तुम अगर वो बात जान गए, तुम एक सेकंड में किसी को अपना दीवाना बना सकते हो। अब आप में से बहुत लोग यही बोलेंगे कि बोलने और करने में बहुत फर्क होता है। नहीं, एक इंसान अंदर से कैसा होता है, उसका नेचर कैसा है, अगर उसको अपने लेवल की बात पता चल गई तो वो क्या कर सकता है, मैं ऐसा कुछ बता सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। आपने इसके बारे में सुन तो बहुत लिया है कि हम ऐसा कैसे करें, लेकिन नहीं होगा कुछ। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपके साथ अभी जो हो रहा है ना वो बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि तुम जितनी बुरी हालत में होंगे कोई तुम्हारा मजाक करेगा, कोई तुम्हारे साथ नहीं है, अकेले में हो, अंदर से तुम उतने मजबूत होंगे। और मेरा यकीन मानो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल पड़े हैं जो साइंस ने भी प्रूव किया है, कहीं पर भी आपको सुनने को मिलेगा कि एक इंसान अगर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होता है ना तो उसमें दूसरों का हाथ 0% होता है, क्योंकि करने वाला वो खुद अकेला होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि जिंदगी में कब क्या होता है, हमें कब क्या करना चाहिए। अगर आपसे एक बार गलती होती है तो दूसरी बार आप उस काम को अच्छे से करोगे, जहां पर गलती हुई है वहां से ध्यान से जाओगे। जब आप अपनी लाइफ से डिमोटिवेट हो जाएंगे तो जो लोग अभी आपका मजाक कर रहे हैं, कोई आपका साथ नहीं देता है, इग्नोर करते हैं, वही आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत बढ़ावा दे देंगे। वो मुंह से नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे बुरा, लेकिन तेरे अंदर लगेगी आग। अब आज के बाद ये कभी मत बोलना कि मैं अकेला हूं। तू भले ही अकेला है, कुदरती रूप से तेरे को कुछ नहीं मिला है, इसीलिए तुझे ये टाइम दिया है ताकि तू अपने आप के लिए ही सब कुछ करे। जो भी तू चाहता है ना वो तुझे मिले अपने आप से ही।